कर दूँ। आहां सबका हमें प्रणाम। हम सुष्मिता झा आए मिथिला कल्चरल सोसाइटी यूके के सौजन्य से हमरा जे प्रयोजन बनल है प्रोग्राम का और जिनकर कारण से बनल, सबसे पहले हम उनका धन्यवाद कह चाहबन। ई पेज का जो प्रेसिडेंट है वंदना कर्ण जी का हमार बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और मेनका झा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जे ई प्रोग्राम के प्रयोजन बन सकले। और जेहो निमित्त बनल ई कार्यक्रम का उनका हम बहुत धन्यवाद कहे छे, और आई जे सब जुड़ल छी उनका हम धन्यवाद कह चाहे छे। जखनो कोनो कार्यक्रम करे छी हम तो हमरा संगे जे साथी कलाकार छै वो हमर संगे रहे छै, यह दुनू छै तबला पर श्री बलराम सिसोदिया जी छै, ई दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत छै और बहुत गुणी कलाकार छै। सारंगी पर हमरा संगे ललित सिसोदिया जी छै, ई आकाशवाणी ग्रेडेड छै, और हारमोनियम एंड सारंगी दुनू में बहुत पारंगत छै। दुनू एक जे लेगेसी होइ छै म्यूजिक का, इनका सबके तीन चार जनरेशन से भेट रहल छै तो काफी नीक छै, गुणी छै दुनू गोटे। जखनो कोनो कार्यक्रम मिथिला के करै छी तो प्रयास करै छी जे हमर विद्या के अधिष्ठात्री छथिन माँ शारदे, उनका लिए स्तुति गाबी, और 10 दिन बादे बसंत पंचमी छे तो बहुत नीक समय बनी है एक माँ शारदे के ई स्तुति हम रचित केलों हैं राग हंस ध्वनि में, क्याकि माँ शारदे हंस पर सवार श्वेत वस्त्र में आबि के हमरा सबका आशीर्वाद दे छै। प्रस्तुत है यहाँ सबके सामने माँ शारदे का ई स्तुति। चंदा झा जी के बहुत बहुत धन्यवाद। Oh.
स्वामी को बहुत धन्यवाद, प्राची रंजन दास जी के बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रस्तुति यहाँ सबके सामने हम करे ले जा रहे हैं अच्छी है, संबंध सबसे बेसी अपन सबके मिथिला से छे। हमर सबके मिथिला वासी जितना जाए छे मिथिलांचल उत्ते बन जाए छे। जिना हम ही पेज पर देख सके छी यूके में इतने लोग सब रह रहल छे, लेकिन अपन संस्कृति अपन साहित्य अपन संगीत से इतने प्रेम छे कि संगीत कार्यक्रम हमेशा होत रहे छे इनके सबके पेज पर बहुत उत्कृष्ट। तो कहा जा सके छे मिथिलांचल अब ग्लोबल भ गेल है, तो हम संस्कृति साहित्य और संगीत पर आधारित और हमर सबके जे धरोहर छे मिथिला के ओकर वर्णन अई मिथिला वर्णन में कैल गेल छे। एकर रचना बहुत गुणी संगीतकार गीतकार और गायक श्री प्रकाश झा जी केलथि है। एकर शब्द छे अमर हिनक कृत नाम छि मिथिला, हमर अहां के प्राण छि मिथिला, सूर्य इ मिथिला, चांद इ मिथिला और वैदेहिक गाम इ मिथिला। इनकर बहुत मिथिला वर्णन समय से एकटा मिथिला वर्णन हमरो प्राप्त भेल है अहां सबके सामने जे हम प्रस्तुत करे ले जा रहल छी। और ई राग भूपाली पर आधारित छे और ताल पंजाबी ताल प्रयोग कैल गेल छे शास्त्रीय संगीत के। प्रस्तुत है यहाँ सबके सामने मिथिला वर्णन। Yeah.
जी का बहुत धन्यवाद, प्रकाश जी के बहुत धन्यवाद। गौतम जी का बहुत धन्यवाद। आगू जो प्रस्तुति यहाँ सबके करे ले जा रहा छी, यहाँ सबके सामने जो करे ले जा रहा छी, ई रचना श्री प्रकाश झा जी का छन रचित, और जे राग पर ही आधारित छे वो छे राग पड्डी, और कहरवा के विलंबित ताले में प्रयोग किया गया छे। ई एकटा श्रृंगारिक विरह के गीत छे, और सबसे सुंदर बात ई छे कि जना मैथिली में रोमानियत के जगह जरा हम अपन सोच में बहुत ग्रेसफुली कखनो नहीं ले छलो, लेकिन जखन ई गीत सुनलो तक ई भेल हमरा रियलाइज कि बहुत खूबसूरती से, बहुत सुंदरता से रोमानियत के आनल जा सके छे मैथिली संगीत में बहुत ग्रेसफुली, और बहुत सुंदर से एकर भाव अनलखिन है राग प्रदीप में। अहाँ सबके सामने प्रस्तुत है ई रचना एकर, और एकर शब्द छे पायल झनकार करिए यो, देखो संसार हिलैये, प्रेमक रसधार बहैये यो, रसका चंद्रहार तकैये। I'm sorry।
सांत्वना जी यहाँ का बहुत धन्यवाद, रत्नेश जी यहाँ का बहुत धन्यवाद, गौतम जी बहुत धन्यवाद। जी जरूर। Thank you.
रचना सब से छन और अद्भुत रचना छन उनका और जे
संगे न्याय कर रहे एकटा कलाकार ले बहुत कठिन कार्य छे और खास कर जे कि बहुत पारंपरिक बहुत पुरान धुन पर आधारित छे और संयोग से ई हम लाइव देखे छलो एकटा श्री प्रकाश झा जी के जे बहिन छथिन ओ अद्भुत सुंदर स्वर में एकटा गेलखिन हैं हमरा एतेक मर्म स्पर्शी लागल ई तऽ हमहूँ सोचलहुँ कि एकरा प्रयास कयल जाय अहाँ सबके सामने सारंगी संगे गायन कर मुकेश जी आपका बहुत धन्यवाद अलका जी बहुत धन्यवाद विवेक जी बहुत धन्यवाद मनीषा जी बहुत धन्यवाद सी सी शॉप पे किस पे सी शॉप Thank you.
बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप जो रचना सबके सामने प्रस्तुत करे ले जा रहे छी, ललित सिसोदिया जी अपन हारमोनियम का कौशल देखेत है और बलराम जी बहुत बढ़िया, अहाँ सबके बहुत नीक लग रहा है, हमारे साथी कलाकार के वादन बहुत सत्विक छी बात, ये सब संगे रहे गवे का और सुने का दोनों का रस अलग भ जाए। आप जे अहाँ सबके सामने प्रस्तुत करब रचना, मामी बहुत धन्यवाद, अहाँके अजय जी बहुत धन्यवाद, सविता मिश्रा जी बहुत धन्यवाद, जीजा जी बहुत धन्यवाद, राजीव जी बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी सबके घर धन धान्य से भरपूर रखथिन, सुखमय रखथिन जीवन सबके, और हम सब जखनो ई अपन इष्ट के मोन पारे छियन, ध्यान करे छियन, तो सब सुखी रही, संपूर्ण जगत सुखी रहे, कोनो प्रकार के दुख नहीं आवे, हम सब एकर कामना करे छी। और तहि दुआरे कहे छे धन के कोनो एक प्रकार नहीं होइ छे, धन के अनेक प्रकार छे, जेना कि संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, एहि तरह से लक्ष्मी के अष्ट रूप छन, और अष्ट रूप के जे हम सब ध्यान करै छी, तो ई रचना हम रचित केलहुँ हँ एहि प्रकार से, जे कॉन्सेप्ट छै कि दिन का पूरा 24 घंटा में 8 प्रहर होइ छे, और 8 प्रहर में 8 अलग अलग राग, अलग प्रकार के राग गायल जाए, अलग स्वर से सिंचित राग गायल जाए छे, तो ओहि हिसाब से ई जे रचना हम रचित केलहुँ हँ लक्ष्मी का अष्ट रूप पर, हर प्रत्येक रूप ले एकटा प्रहर चुनलहुँ, और हर प्रहर के जे वो राग होइ छे एकटा ओ चुनलहुँ, तो ई एकटा राग सागर के रचना भेले हैं, तो एकरा नाम देलहुँ है अष्ट लक्ष्मी स्तोत्रम। अहाँ सबके सामने प्रस्तुत है अष्ट लक्ष्मी स्तोत्रम, जेना किछ राग सबके नाम कह चाह, आदि लक्ष्मी ल, आदि लक्ष्मी ल पूर्या धनाश्री, और धान्य लक्ष्मी ल, धान्य लक्ष्मी ल श्याम कल्याण, धैर्य लक्ष्मी ल नारायणी, गज लक्ष्मी ल आभोगी कांगड़ा, फिर जे संतान लक्ष्मी ल बसंत, विद्या लक्ष्मी ल गुणकली, गुर और गुर्जरी तोड़ी छे विजया लक्ष्मी ल, और ऐश्वर्य लक्ष्मी ल पटदीप राग का प्रयोग केलो हाँ, संस्कृत में छे ही, और प्रत्येक जे प्रत्येक देवी का आह्वान से पहले उनका ले बीज मंत्र का प्रयोग केलों हम। आशा है अहाँ सबके ई नीक लागत, और कामना करे छी कि अहाँ सब
हमेशा अष्टलक्ष्मी के जो कृपा हैं हमरा सब पर बनल रहे, हम सब सब खुशी रही। अष्टलक्ष्मी की कृपा ले अहाँ सब के सामने प्रस्तुत करे छी अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम राग सागर।
Thank you.
कहरवा प्रयोग कयल गेल छै पलट के स्टाइल में जे इनकर सबके स्टाइल में कहल जाय छै। राग मधुकोश पर ई मैथिली गजल अहाँ सबके सामने प्रस्तुत अछि। अत्यंत श्रृंगारिक और विरह के ई समावेश छै ई गीत में। बुझलौं नहीं किया ई प्रीत के लौं, ई प्रीत लगैए जान ले। राग मधुकोश पर आधारित रचना हम सबके सामने प्रस्तुत अछि। Thank you.
सुन पे हरी सुन राम
Mm-hmm.
Thank you.
अहाँ सब हमर संगे छी अखन तक। बहुत बहुत खुशीके बात छी हमरा लेल, बहुत सौभाग्यके बात छी। नचारी संगे अहाँ सबसँ विदा लेब हम। बाबा विद्यापतिके रचन ई नचारी छनि। Thank you.
रंजिता जी बहुत धन्यवाद, आके शंभुनाथ जी बहुत धन्यवाद, शिव शक्ति जी बहुत धन्यवाद, आके कौशल जी बहुत बहुत धन्यवाद, मणिकांत जी आपको बहुत धन्यवाद, जिनका जिनका हम नाम नहीं देख पाए ब्रह्मा जी उनको हम बहुत धन्यवाद करना चाहे छे, और जिनकर सौजन्य से हम मिथिला कल्चरल सोसाइटी यूके पर आ सकलो हैं उनका हम जाय से पहले धन्यवाद ज्ञापन करना चाहबें। श्रीमती वंदना कर्ण जी के बहुत बहुत धन्यवाद, श्रीमती मेनका जी का हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, इतक सुंदर प्लेटफॉर्म पर अहा सब बजे लो और इतने नीक दर्शक सब अहा सब जुड़ लो, इतक प्रबुद्ध लोग सब जुड़ लो, इतक प्रशंसा के लो, गीत नीक लागल अहा सब का हमर तरफ से बहुत धन्यवाद, हमारे साथी कलाकार के सिर्फ धन्यवाद का चाहबे, तबला पर बलराम सिसोदिया जी के बहुत धन्यवाद, हारमोनियम और सारंगी पर ललित सिसोदिया जी के बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मिथिला, विदा दीजिए सबसे।